धनबाद पहुंचे जाप सुप्रीमो ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। झारखंड में सरकार को ईडी के द्वारा किया जा रहा है अस्थिर। राम के नाम पर राजनीति नौटंकी नहीं चलेगी। धनबाद जिले के लेडी डूमर निवासी अनुज सिंह के घर बिहार जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जहां आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्र के भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड सरकार की ईडी के द्वारा अस्थिर भाजपा कर रही है। बिना वजह मुख्यमंत्री को ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता देश में सभी जगह है। 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी उनकी पार्टी मजबूती के साथ यहां रहेगी। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आदि है। इन सभी को गौण कर भाजपा राम के भरोसे वैतरणी पार करना चाहती है। राम के नाम पर राजनीति नौटंकी नहीं चलेगी। उनका काम सेवा करना है, भले वो चुनाव जीते या हारे, इससे उनके सेवा भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार जदयू के फिर से अध्यक्ष बनने पर कहा कि बिहार के सर्वमान्य नेता वो हैं, वो अध्यक्ष फिर से बने, इसमें कोई बुराई नहीं है। मीडिया प्रोपेगेंडा चलाकर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन को बदनाम करना चाहती है, जो नहीं चलेगा। बाबा साहब के विचारों को रौंदने वाली युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के दुश्मन वाली भाजपा सरकार को इंडिया गठबंधन आगामी लोस चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाकर एक पहली कील ठोक दी गई है। देश में जातीय जनगणना और आरक्षण इंडिया गठबंधन का मुद्दा रहेगा। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफलता प्राप्त करेगी। ये मैं इतना समझता हूँ, आप जबरदस्ती यदि किसी को बांस कीजिएगा और कानून सर्वोच्च न्यायालय को भी आप नया कानून जब अभी जो कानून बनाया गया हिट एंड रन का और भी जो कानून बनाई तो बहुत गलत है ना जी। मुद्दा है किसान, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महिला सुरक्षा, मुद्दा है मजदूर का पलायन, महंगाई, मुद्दा परिवारवाद नहीं है। जिससे सुरक्षित लगता है वो करते हैं। अब ये सब मुद्दा ही कौन है? मंदिर के सहारे, अयोध्या के सहारे ये जो कतरनी पार करना चाहते हैं, 10 साल का पाप धोना चाहते हैं, तो राम तो पाप के खिलाफ गए थे और राम तो नफरत के खिलाफ, और ये तो नफरत को बोझते हैं। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन इस देश की स्वाभाविक गठबंधन है। ये 130 करोड़ लोगों की आवाज है जो इकोनॉमी के रूप से खत्म हो चुकी है। मात्र 2 व्यक्ति का इकोनॉमी इस हिंदुस्तान में चल रहा है, एक अदानी जी जो कोरोना में भी 4 गुना ज्यादा उन्होंने बेनिफिट लिया, और दूसरा अमित शाह जी की कंपनी। राम के भरोसे अब राजनीतिक नौटंकी भी मंदिर की राम के भरोसे होगी, ये नहीं चलेगा। इसीलिए इस देश की हिफाजत, लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी ये इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। हम तो देश में मोदियों के ऊपर हैं। जितना मोदी जी लोग लूटते हैं, हम उतना डेली बांटते हैं। हम कहाँ हैं? जितना पॉलिटिशियन लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।